गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, दैट इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट 4 सुपर सेंसेस इन चैप्टर 1, बट 1 सुपर सेंस ऑफ टेस्ट वॉज लेफ्ट। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सेंस ऑफ टेस्ट। Firstly, we have a story, Jumba, in this chapter. So, let's start chapter number 3, from tasting to digesting. Now, different tastes. Students, हमारा ये chapter start होता है Jumba, Julan और उनकी mother के kitchen से. Jumba ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd. Give me gur, jaggery and roti. Jumba daud kar aati hai kitchen mein aur wo apni maa ko kehti hai, Ma, main is karele ki sabji ko nahi khane wali hoon. Mujhe jaggery, gur aur roti de do. Ma smiled and said, You eat roti and sugar in the morning. Ma ne smile dete hue kaha, Tumne subah hi roti aur sugar khaya hai. Julan teased Jumba, Don't you get bored of only one kind of taste? Ab uski jo sister hai Julan, usne usse chidate hue kaha, तुम बोर नहीं होती हो एक ही तरह के टेस्ट को खाते हुए? जुम्बा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली टर्मेरिड? आई बैट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। तब जुम्बा ने कहा, तुम भी तो इतनी इमली खाती हो, तुम बोर नहीं होती हो? मुझे यकीन है कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता होगा। श्योर आई लव द सॉर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। भले ही मुझे खट्टी इमली पसंद आती है लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। मैं तो कड़वा करेला भी खाती हूँ। I even eat karela, said Julan and looked at her mother. They both laughed heartily. Now, Julan said to Jumba, let's play a game. You close your eyes and open your mouth. उसके बाद जुलन और जुम्बा एक गेम खेलने लगे। जुलन ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना जो माउथ यानी मुंह है उसे खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी और तुम्हें अपनी आईज बंद करके ही बताना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो मैंने तुम्हारे मुंह में डाली है। जुलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन जुम्बाज माउथ। सॉर लेमन, जुम्बा रिप्लाइड क्विकली। उसके बाद जुलन ने स्टार्ट किया। जुलन ने लेमन के कुछ ड्रॉप्स को स्पून में लिया और जुम्बा के मुंह में डाले। अब लेमन के ड्रॉप्स का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? वो सॉर होता है, खट्टा होता है। तो जुम्बा ने उसे क्विकली पहचान लिया। जुलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जगरी। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। जुलन क्रश द जगरी बट जुम्बा इजिली गेस्ड इट। उसके बाद जुलन ने कुछ जगरी मीन्स गुड़ के कुछ टुकड़े लिए और उनकी मदर ने कहा, क्रस्टेड,
इन गुड़ के टुकड़ों को थोड़ा क्रश कर लो, पाउडर बना लो, वरना तुम्हारी जो बहन है उसको पता चल जाएगा। अब क्रश किए हुए गुड़ का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, वो स्वीट होता है, मीठा होता है, तो वो भी जुम्बा ने इजीली गैस कर लिया कि ये तो गुड़ है। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। इस तरह से उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ इस गेम को कंटिन्यू किया। जुम्बा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। अब जुम्बा ने फ्राइड फिश को बिना टेस्ट के ही पहचान लिया। कैसे? क्योंकि जो फ्राइड फिश होती है उसकी बहुत ही स्ट्रांग जो है वो स्मेल होती है। कई कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके स्मेल से ही हमें पता चल जाता है कि वो क्या है। जुल्लन सैड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। अब जुल्लन ने कहा कि अब तुम एक काम करो, अपना नोज बंद करो और उसके बाद मुझे बताओ कि वो क्या है। जुम्बा वॉज कन्फ्यूज्ड। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड सम वॉट सॉर। जुम्बा जो है वो कन्फ्यूज्ड हो गई। उसके नोज़ बंद करने के बाद उसको जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉल्टी लग रहा था, थोड़ा बिटर लग रहा था और थोड़ा सॉर लग रहा था। तब जुम्बा ने कहा, मुझे एक और चम्मच देना जरा, गिव मी वन मोर स्पूनफुल। जुलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड जुम्बास आईज एंड सेड, हियर इट इज ईट। जुम्बा लाफ्ड, यस गिव मी मोर। अब जुम्बा ने उसके मुंह में एक और स्पूनफुल कुक्ड करेला डाला। उसके बाद जुम्बा ने अपनी आंखें खोली और कहा कि अरे ये तो करेला है, ऐसे कैसे हो गया? करेला थोड़ा कड़वा था, थोड़ा नमकीन था और थोड़ा खट्टा था, क्योंकि उनकी मदर ने इतनी टेस्टी करेले की सब्जी बनाई थी। क्योंकि जुम्बा ने अपनी जो नाक है वो बंद करके रखी थी, इसीलिए उसे खाने का जो स्मेल नहीं आया और वो टेस्ट करके भी नहीं जान पाई कि वो फूड आइटम कौन सा था। बिकॉज वी कैन रिकग्नाइज अ फूड आइटम नॉट ओनली बाय इट्स टेस्ट बट आल्सो बाय इट्स स्मेल। हम कई फूड आइटम्स को सिर्फ टेस्ट से ही नहीं बल्कि उनके स्मेल से भी पहचानते हैं। नाउ डिस्कस एंड राइट। फर्स्ट, जुलन्स माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वॉटर? जुलन जब भी इमली की बात सुनती है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है, तो आपके मुंह में भी सुन के क्या पानी आता है? लिस्ट फाइव थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आप भी किन्हीं फाइव फूड आइटम्स के नेम लिखो और उनके टेस्ट लिखो। थिंग्स टेस्ट, समोसा सॉल्टी स्पाइसी, पिकल्स सॉर सॉल्टी, जलेबी स्वीट, चॉकलेट स्वीट, आइसक्रीम स्वीट। डू यू लाइक Only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको भी सिर्फ एक तरह का टेस्ट पसंद है या फिर अलग अलग टेस्ट पसंद है? क्यों? We like different kinds of taste. Only one type of taste can be boring. Julan put a few drops of lemon juice in Jumba's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Yes, just a few drops of sour things are enough to make out the taste.
खट्टी चीज़ों की एक बूंद ही काफ़ी होती है उसके टेस्ट को पता करने के लिए। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आईज क्लोज्ड हाउ? अगर आपके टंग पे किसी ने सौंफ के कुछ दाने रख दिए, क्या आप उसका टेस्ट बंद आँखों से ले पाएंगे? यस, वी कैन रिकॉग्नाइज सम फूड आइटम्स बाय देयर स्मेल, अल्सो फेनल, क्योंकि सौंफ की जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी होती है। हाउ डिड जुम्बा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गैस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? जुम्बा ने भी बंद आंखों से फ्राइड फिश को पहचान लिया। आप बताइए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं? जुम्बा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। यस, वी कैन गैस मैनी थिंग्स ओनली बाय इट्स स्मेल, लाइक फिश, ऑमलेट, समोसा, पकोड़ा, एक्सेट्रा। फिश, ऑमलेट, इन सब की स्मेल से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा खाना बना है। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या आपको किसी ने बोला है कि मेडिसिन लेने से पहले आपको नाक बंद कर लेनी चाहिए? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्यों बोला गया है? अवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस टू गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। क्लोजिंग अवर नोज विल सम व्हाट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। हमारी सेंस ऑफ स्मेल भी हमारे खाने की कंप्लीट टेस्ट को पहचानने में मदद करती है। जैसे मैंने बोला, हम खाने को टेस्ट ही नहीं करते, हम खाने को खुशबू से भी पहचान सकते हैं। खाना टेस्टी है या नहीं, हमारी टेस्ट ऑफ स्मेल भी हमारे स्मेल को समझाने में हेल्प करती है। इसीलिए अगर मेडिसिन खाते टाइम नाक को बंद कर लेंगे तो हमें मेडिसिन की जो स्मेल है वो नहीं आएगी और हमें मेडिसिन का जो कड़वा टेस्ट है वो भी पता नहीं लगेगा। दैट इज़ वाई क्लोजिंग अवर नोज विल सम वॉट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। नाउ क्लोज योर आईज एंड टेल। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्बा एंड चुल्लन डिड। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। स्टूडेंट्स, आप भी कुछ फूड आइटम्स ले लीजिए डिफरेंट टेस्ट के और आप जुम्बा और जुल्लन की तरह अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को खेलिए। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अपने फ्रेंड को फूड टेस्ट कराइए और उससे पूछिए कि वो टेस्ट कैसा है। हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? टेस्ट कैसा है और वो कौन सा फूड आइटम है? जैसे स्वीट और फूड आइटम शुगर, शुगर का टेस्ट कैसा है? स्वीट है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग? इन फ्रंट साइड। अब जो शुगर का जो टेस्ट है वो टंग के फ्रंट साइड से आता है। क्या हमें हमारे टंग के हर हिस्से में हर तरह का टेस्ट आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे टंग में अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ से हमें अलग अलग टेस्ट आता है। जैसे टंग के निचले हिस्से में हमें मीठी चीज़ों का टेस्ट आता है। टंग के साइड के हिस्से में हमें नमकीन चीज़ों का टेस्ट आता है।
और ऊपर वाले साइड में हमें सौर यानी खट्टी चीज़ों का टेस्ट आता है, और एकदम पीछे गले की तरफ से हमें बिटर टेस्ट आता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह है टंग की पिक्चर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे निचले हिस्से में जो है वो स्वीट टेस्ट है, और उसके बाद जो है वो है सॉल्टी, एंड देन सॉर, सॉर टेस्ट, और जो लास्ट में जो है वो है बिटर टेस्ट। इस तरह से हमारे टंग के हर पार्ट्स में से अलग अलग टेस्ट आता है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। आपके मुंह के बाकी पार्ट्स में भी कुछ खाने पीने के फूड आइटम को टेस्ट कीजिए, जैसे टंग के नीचे चीनी के टुकड़े को रखिए और उसके होठों पर रखिए, और मुंह के ऊपर वाले हिस्से में रखिए। क्या मुंह के अलग अलग पार्ट्स में से कुछ टेस्ट आपको महसूस होता है? नो, वी डोंट गेट एनी टेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। नहीं, हमें खाने का टेस्ट सिर्फ हमारी टंग से ही महसूस होता है, इसके अलावा बाकी मुंह के हिस्से में हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। नाउ यूज़ अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर और जगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन। आप अपने जीभ के सबसे निचले वाले हिस्से को थोड़ा कपड़े से साफ करके, ड्राई करके, और उसके बाद शुगर के कुछ दाने रख के देखें, क्या आपको शुगर की जो मिठास है वो महसूस हुई? हमें जो है शुगर की मिठास यानी स्वीटनेस महसूस नहीं होगी, वो इसलिए क्योंकि हमारे मुंह के अंदर का जो लार है, सलाइवा होता है, वही हमारे जब खाने में मिक्स हो जाता है तभी हमें खाने का टेस्ट आता है। नो, वी कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, इट इज़ बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, वैन द फूड मिक्सिस विथ सलाइवा देन ओनली वी गेट इट्स टेस्ट। नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। आप मिरर के नज़दीक जाके खड़े हो जाइए और अपनी टंग को अच्छे से देखिए, क्या आपकी टंग पे आपको कुछ उभरे हुए कुछ दाने दाने नज़र आते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं? हाउ डज द सरफेस लुक, द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। यस, आई कैन सी मैनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग। अब ये जो आपके टंग पे जो स्मॉल टाइनी बम्प्स नज़र आएंगे उन्हें कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स दैट आर फाउंड इन अवर टंग and help us to experience different tastes like sweet, salty, sour and bitter. Now tell, if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these? Tomato, onion, sauce, garlic. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste.
अगर आपको बोला जाए कि आंवला का टेस्ट कैसा है, आंवला का टेस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा खट्टा लगता है और उसके बाद मीठा हो जाता है। उसी तरह ओनियन का भी जो टेस्ट है स्टार्टिंग में थोड़ा मीठा लगता है, उसके बाद तीखा लग आँखों में से पानी आता है। उसी तरह गार्लिक, गार्लिक जो है वो बहुत ही तेज स्मेल वाली होती है, उसका टेस्ट भी हल्का कड़वा टाइप का होता है। तो कुछ खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनका टेस्ट एकदम से क्लियर नहीं होता है। फूड एंड टेस्ट, टमेटो, टमेटो का जो टेस्ट है वो स्वीट एंड सॉर एंड जूसी, एंड ओनियन पंजन सॉफ्ट स्वीट विथ नाइस स्मेल, गार्लिक बिटर। When Jumba tasted some of the thing, she said, जब जुम्बा ने कुछ थिंग टेस्ट की तो उसने कुछ इस तरह का साउंड निकाला। आपको क्या लगता है जुम्बा ने क्या खाया होगा? जुम्बा ने थोड़ी मिर्ची के टुकड़े खा लिए होंगे, तभी उसने ऐसा साउंड निकाला है। What do you think she may have eaten? She may have eaten a chili. Why don't you make sounds that describe some taste? आप भी कुछ ऐसे साउंड्स बनाओ जो टेस्ट को डिस्क्राइब करें, जैसे कि यम, स्वीट आइटम्स लाइक आइसक्रीम, जलेबी। जब हम स्वीट आइटम्स जैसे कि हम आइसक्रीम जलेबी खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यम्मी यम्मी है। उसके बाद जब हम नूडल्स खीर वगैरह खाते हैं तो हम कैसा साउंड निकालते हैं? स्लप स्लप, इस तरह का साउंड निकालते हैं। देन जब हम सॉर थिंग्स यानी जब खट्टी चीज़ें लाइक पिकल्स खाते हैं तब हम कैसा साउंड निकालते हैं? इस तरह से चटपटा सा साउंड निकालते हैं। तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ साउंड, जो अलग अलग फूड के अलग अलग होते हैं। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। आप भी कुछ साउंड प्रोड्यूस करें और कुछ एक्सप्रेशन दें और अपने फ्रेंड से पूछें कि बताओ मैंने क्या खाया। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।